मैं लेकर आया हूँ आपके लिए शेमरो कंपनी का एक एंगल ग्राइंडर। तो ये बिल्कुल ही लोकल एंगल ग्राइंडर है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ वीडियो शुरू होने से। ये कोई ब्रांड नहीं है, तो ये लिखा हुआ है तो मैंने बोल दिया। तो गाइज इसका मैं बॉक्स आपको एक बार वैसे दिखा देता हूँ नॉर्मली बाहर से। तो गाइज ये देखिए, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे 1100 वाट। अब एक्चुअल में ये है भी या नहीं है ये भी मैं कुछ गारंटी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बिल्कुल ही लोकल प्रोडक्ट है, इसकी कोई वारंटी वगैरह नहीं है। तो मॉडल नंबर वगैरह मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ। तो गाइज ये जो है मार्केट में बहुत सारे ब्रांड मिलते हैं, अगर आपको लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए चाहिए तो आप अच्छे ब्रांड का खरीदिए, जैसे बॉश, डिवॉल्ट, स्टैनले, डोंगचेंग और ब्लैक एंड डेकर। तो आप इन सब ब्रांड्स का ले सकते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म यूज़ करना है, 2-4 साल के लिए अगर आपको मशीन चलानी है। तो गाइज ये मेरे को बिल्कुल ही थोड़े दिनों के लिए चाहिए थी, और बार बार वेल्डिंग वाले के पास जाना, 100 रुपये 150 रुपये हर विजिट पे देना, तो इसीलिए फिर मैंने ये वन टाइम परचेज कर रहा है। इसका मैं आगे जाके प्राइस बताऊंगा, और वारंटी इसमें कुछ भी नहीं मिलती है। तो मैं इसको ओपन करके इसका कंटेंट दिखाता हूँ क्या क्या मिलता है इसके साथ, और मतलब वैसे ही अच्छी क्वालिटी का वारंटी वगैरह जो कि इसमें नहीं है। बल्कि भाई ये इस रैप के अंदर आता है, तो हमने ये निकाल दिया था। एक ये इसके साथ हैंडल मिलता है हमें इसको पकड़ने के लिए, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये सेफ्टी कवर मिलता है, और ये मशीन मिलती है हमें, ये देखिए गाइस। ये इसकी की मिलती है डिस्क को टाइट करने के लिए, वो भी दिखाता हूँ अभी मैं यूज़ करके। ये खाली हो गया बॉक्स, और यहाँ पे हमें ये ओरिजिनल मैनुअल मिलता है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। ये देखिए मैं फोकस कर देता हूँ अभी पूरा, आपको पढ़ना हो तो ये पूरा जो है ये आप इसमें से पढ़ सकते हैं। सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी वगैरह के लिए दिए हैं। ये देखिए सारी पार्ट्स की इसमें डिटेल दी हुई है, अगर ब्रेक डाउन हो जाता तो क्या क्या है। गाइस ये देखिए पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, अगर आपको कुछ भी देखना है तो ये आप इसमें से फोकस करके रीड कर सकते हैं। तो गाइस ये देखिए, इसको मैं साइड कर देता हूँ अभी मैनुअल को। गाइस ये इसके साथ हमें एक ये टूल मिलता है, जिससे हम इसकी डिस्क को जो है वो टाइट करते हैं। अभी दिखाता हूँ मैं करके आपको, ये मिलता है एक, ये हमें इसका हैंडल मिलता है एक, ये सेफ्टी कवर है। सब कुछ लगा कर दिखाता हूँ, पहले मैं मशीन के बारे में दिखा देता हूँ। इस मशीन के साथ जो वायर मिलती है हमें, 1.5 मीटर के करीब वायर मिलती है। 16 एम्पेयर का इसका पावर का प्लग है, ये देखिए 16 एम्पेयर इसमें दिख रहा होगा आपको, 16 एम्पेयर का इसमें पावर का प्लग दिया हुआ है। तो भाइयों ये मशीन जो है ये देखिए, ये इसका जो मैं प्राइस है मैं आपको अभी बता देता हूँ, आगे चल के नहीं बताता वीडियो में, चलो कोई बात नहीं। इसका जो प्राइस है वो 1000 रुपीज़ की ये मशीन है, विदाउट वारंटी है ये। और ये देखिए मतलब काफ़ी हैवी वेट है, इसका वेट मोर देन अराउंड 1.5 kg के अराउंड इसका वेट है। तो 1.5 मीटर की इसमें जो लेंथ मिलती है हमें वायर की मिलती है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मशीन है। और यहाँ पे ये जो साइन दिया हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर बुश डलते हैं। तो गाइज अगर बुश कार्बन के ख़त्म हो जाते हैं इसके, कार्बन बुश, और अगर आप उसको चलाते रहते हो उसका आर्मेचर फूक जाता है। और जो मशीन में क्या होता है, जो रनिंग मशीन्स होती हैं, आर्मेचर ही सबसे महंगा आता है पार्ट जो होता है, तो वो आपको चेक करना पड़ता है रनिंग के हिसाब से। अगर आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हो तो 1-2 साल में ये जल्दी ख़राब नहीं होगा, घर में अगर यूज़ करते हो तो। तो गाइज यहाँ पे ये इसमें वोल्टेज वगैरह लिखी हुई है, आरपीएम लिखा हुआ है 11,000 RPM है। डिस्क डायमीटर मतलब इसके अंदर 4 इंची का ये जो एंगल ग्राइंडर है, तो इसके अंदर 4 इंची की हमारी डिस्क लगती है, 100 mm, मतलब 4 इंची इसकी डिस्क लगती है इसके अंदर। यहाँ पे एक होल यहाँ पे दिया हुआ है, एक होल यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें क्या है आप इसका हैंडल टाइट कर सकते हैं, यहाँ से राइट साइड में लगा सकते हैं, और ऐसे ही इसे खोल के आप, तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ये दूसरी साइड में आप इसको टाइट कर सकते हैं। तो गाइस इसे हैंडल को पकड़ने के लिए आप लगा सकते हैं जिस तरीके से भी आपको सूट लगे, लेफ्ट या राइट में। और ये इसका सेफ्टी कवर आता है, ये आप अपनी पोजीशन के हिसाब से, यहाँ पे ये स्क्रू दिया हुआ है इसमें, तो आपको जिस साइड भी रखना हो आप उस साइड भी इसको रख के यहाँ पे टाइट जो है वो कर सकते हैं। ये देखिए ये इसको लूज़ करके ये पूरा फिट हो जाएगा इसके अंदर, और ये टाइट हो जाएगा। तो गाइस इसमें क्या है, जो चिंगारी वगैरह निकलती है उससे आप बच सकती हैं। और ये की है इसका भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो गाइस ये देखिए, और गाइस मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप जो है घर में खुद ना यूज़ करें, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, कभी भी कोई भी एक्सीडेंट या दुर्घटना हो सकती है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो ये मशीन मैं लाया हूँ, पर मैं इसको ऑपरेट नहीं करूँगा, इस मशीन को कोई और ऑपरेट करेगा। तो इसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ, बट इसको अगर आप यूज़ करें तो बड़े ही सावधानी से यूज़ करें, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। क्योंकि जो इसकी डिस्क अगर गलती से टूट के लग गई आपके मुंह पे, तो कुछ ना कुछ पार्ट आपका डैमेज हो जाएगा। तो गाइस ये देखिए मैं इसका दिखाता हूँ, यहाँ पे एक नट होता ही है। तो भाइयों ये जो होता है इसको आप दब प्रेस करोगे,
इसको पहले ये दबेगा नहीं, इसको आप थोड़ा सा हिलाओगे तो ये अंदर चला जाएगा, तो फिर ये चीज़ जो है इसकी लॉक हो जाती है। देखिए यहाँ से ये डिस्क, ये जो है ऊपर अपर नट इसका खुल जाता है। तो भाइयों ये होती है व्हील डिस्क जो ये एंगल ग्राइंडर की होती है। तो यहाँ पे ये देखिए ये 4 इंची की हमारे पास डिस्क है, तो इसमें मैं लगा देता हूँ। ये ऐसे लग जाती है इस तरीके से, तो गाइस ये देखिए ये इसके अंदर पूरी फिट हो जाती है। तो आप इसको जब टाइट करोगे, ये देखिए इसको, अब आपको क्या करना है, ये पूरी टाइट करोगे तो आप ये घूमती रहेगी, तो आपको ये दबाना है। तो भाई ये लॉक हो गया, अब इसको आप खाली इससे भी कर सकते हो टाइट, बट आप अगर इससे करोगे तो ठीक रहेगा। ये देखिए हल्का सा करना है आपको, ज़्यादा करोगे तो ये चीज़ टूट जाएगी। तो भाई ये देखिए ये इसमें लग गई है। अब मैं इसको चलाकर भी दिखा देता हूँ आपको। भाई ये देखिए इसमें आप लगाओगे यहाँ पे, ये इसका ये ऑन ऑफ स्विच है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए तो इसको आपको बड़ी सेफ्टी से यूज़ करना है। तो मैं इसको खोल देता हूँ, और जब भी आप दे देंगे इसका स्विच पहले ऑफ करके निकाल दीजिए। तो ये देखिए मैं इसको पहले इसको निकाल देता हूँ, फिर आपको एक बार ये और चलाकर इसको जो है वो दिखाता हूँ। यहाँ पे लॉक हो गई है, अब आप इसको व्हील को निकाल सकते हो, नट खुल जाएगा। तो ये डिस्क है। तो गाइस यहाँ पे इसका साइज़ भी दिया होता है 1.7.5.16 mm, तो इसका कुछ इंटरनल डायमीटर होता है शायद 60 mm का। इसको मतलब मेज़र करते हैं, काफ़ी लोगों ने वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पे, तो आगे चलकर मैं वो बनाऊंगा। तो गाइस ये देखिए इसमें नट लग जाता है। काफ़ी लोगों ने इसकी वीडियो बनाई हुई है, आप एंगल ग्राइंडर को ड्रिल भी बना सकते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन आता है एंगल ग्राइंडर को। तो अगर इस पर व्यूज़ आते हैं आप कमेंट करोगे तो मैं वो भी बनाकर आपको दिखाऊंगा। एंगल ग्राइंडर को मैं ड्रिल मशीन बनाकर दिखाऊंगा आपको। इसके आगे चकनट वगैरह लगता है, तो उसका जुगाड़ होके वो ड्रिल मशीन बन जाती है। तो भाई ये देखिए अब मैं लगाकर चलाता हूँ, इसका साउंड जो है वो बहुत तेज है। ये देखिए अभी मैंने इसको हमने भाई ये देखिए ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जो है ये एंटी क्लॉक वगैरह डायरेक्शन में जो है घूमती है। तो गाइज ये इस वीडियो का रिव्यू था। अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी जानना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं एंगल ग्राइंडर के बारे में जो है वो आपके लिए जो भी अगर आपका सवाल होता है वो मैं इसमें कमेंट में बताने की कोशिश करूँगा। आप इसमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसमें रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो गाइज ये थी वीडियो, और इसका प्राइस था 1000 रुपीज़। ये मैंने दिल्ली में परचेज़ करी है 1000 रुपीज़ की, और इससे सस्ती भी थी, 800-900 रुपये की भी थी, बट वो थोड़ी हल्की क्वालिटी की थी। इस ये थोड़ी लोकल में भी अच्छी क्वालिटी की है, और काफ़ी हैवी मशीन है। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग वगैरह भी जो है पूरी ब्रांड की तरह ही लग रही है। देखिए कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा ये लोकल मतलब मशीन है। ये देखिए जो इसकी फिनिशिंग है सब तरीके से ही पूरी अच्छी दी करी हुई है इसके अंदर। और एंगल मशीन इसको ऐसे रखते हैं, मतलब काफ़ी मतलब वीडियो देखा, तो इसको अगर आपको रखना हो थोड़ा सेफ्टी से यूज़ करना है आपको। और इसके जो ग्लासेस आते हैं प्रोटेक्टिव ईयर वाले, पता नहीं 50-60 रुपए का अराउंड आते हैं, वो आप ज़रूर पहने अगर आप घर के लिए यूज़ करते हो। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप बताना, आगे मैं जाकर इसको ड्रिल मशीन भी बनाकर दिखाऊंगा। आप कमेंट करोगे तो मैं बनाकर दिखाऊंगा आपको ये ड्रिल मशीन भी इसकी। तो गाइज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे भी मैं ऐसी और वीडियोज़ अनबॉक्सिंग की लाता रहूँगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं देखता हूँ, एक ब्लोअर है मेरे पास स्केल कंपनी का, उसकी मैं वीडियो बनाता हूँ। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।